कैसे बनाए वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहले मैं आपको इसकी एक डिटेलिंग दे देती हूँ। 12 mm की हमने नेम प्लेट बनाई है और इसका साइज है 18x14 inch और ये कम्प्लीटली कस्टमाइज है। ग्रे कलर में हमने इसको बनाया, मेटलिक ग्रे शेड्स हमने इसको दी है, व्हाइट ब्लैक दिया है और इसके अंदर कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग हरे कृष्णा राधे राधे टू लक्ष्मी स्वीट और राधे कृष्णा इमेज लगाई है, बांसुरी लगाई है और मोर पंख लगाया है और ये कम्प्लीटली जो डिजाइन है कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग है, उनकी पसंद के हिसाब से है। तो इस तरह के कम्प्लीटली कस्टमाइज प्रोडक्ट हम बनाते हैं, रेसिन से बनाते हैं, रेसिन की कोटिंग के साथ बनाए हैं, ग्रैनुलर्स का हाईलाइट हमने इसमें दिया है और इसको हमने कैसे बनाया वो कम्प्लीट डिटेलिंग के साथ मैंने वीडियो बनाई है। तो आइए फिर इसको बनाते हैं और सीखते हैं कैसे कैसे हमने बनाया और आपके साथ मैं शेयर करूँगी। ये हमारा 18x14 inch का बेस है नेम प्लेट का, जो कि हम इसके इसमें बनाने वाले। ये मैंने 3 शेड्स इसमें तैयार कर ली है, ग्रे मेटलिक ग्रे डार्क और ब्लैक शेड लग रहा है जो आपको, और ये वाइट, और ये तीनों को हमने इसमें डालना है। सबसे पहले हम ग्रे को डालेंगे, इस तरह से हमने पूरे सरफेस के ऊपर स्प्रेड किया। उसके बाद जो मेटलिक डार्कर ग्रे है उसको इसके ऊपर हल्का हल्का स्प्रेड किया है स्टिक की मदद से, और ये उसके ऊपर से वाइट को भी हमने इसी तरह से पोर करना है। हमने बहुत ही मिक्सिंग शेड बनाई थी जो कस्टमर को पसंद थी, तो उस हिसाब से ही हमने इसमें कलर्स को डाला है। आप भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो हमारे दिए हुए नंबर पर, अपनी पसंद का कोई पैटर्न बनवाने के लिए, बेस बनवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह से हमने पूरे सरफेस को कवर कर दिया है और वापस से ग्रे ब्लैक को उसके ऊपर डाला है और वापस से स्प्रेड किया है और वाइट का फिर से स्प्रेड किया। इस तरह से 2 से 3 बार हमको ये टेक्सचर क्रिएट करना है ताकि बहुत ही नेचुरल सा बने, और इस तरह से फिर हीट गन की मदद से इसको नॉर्मलाइज करना है। उसके बाद देखिए मैंने गोल्डन स्प्रेड किया, गोल्डन से हाइलाइटिंग करी है और चारों कॉर्नर्स पे ग्रैनुल्स लगाए हैं। सबसे पहले मैंने गोल्डन ग्रैनुल्स को लगाया है, उसके साथ ही मैं सिल्वर कलर के ग्रैनुल्स भी लगाऊंगी इन पे। तो इस तरह से सिल्वर भी चारों कॉर्नर पे लगाने हैं ताकि मिक्सिंग जो चारों कॉर्नर्स हैं उसमें मिक्सिंग ग्रैनुल्स का लुक आए। और ये देखिए टेक्सचर कितना सुंदर लग रहा है ना, ग्रे वाइट और डार्कर ग्रे और गोल्डन का ब्लेंड बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बहुत अच्छा। और पैटर्न देखिए, टेक्सचर देखिए कैसे छिटके छिटके से ये जो पैटर्न आ रहा है यही इसका लुक है। और इसका जो ये देखिए कितना क्लोज से कितना ग्लोस आ रहा है, कितना अच्छा शाइन इसका निकल के आया है। ये हमारी नेम प्लेट पूरी सूख चुकी है, बेस हमारा तैयार था, अब हम इसके ऊपर नेम पेस्ट करेंगे। नेम पेस्टिंग के लिए मैंने इस शीट का यूज़ किया है, स्टेंसिल की मदद से मैं सारे एलिमेंट इसके अंदर लगाऊंगी। तो मुझे जो भी लगाने हैं मैं बारी बारी से इसके ऊपर, जैसे ये राधे कृष्णा इमेज है झूले के साथ, तो इसको लगाया इस तरह से स्टेंसिल की मदद से मैंने ये सारे लगा दिए हैं। इसके ऊपर ये ट्रांसपेरेंट शीट होती है लेमिनेशन की, इसको मैंने रिमूव कर दिया है और अब ये देखिए शाइन कितना सुंदर आया, एकदम मिरर लुक आप देख पा रहे होंगे इसमें, मैं भी इसमें दिख पा रही हूँ आपको। देखिए कितना शाइन और एकदम मिरर की तरह काम करता है गोल्डन में, तो ये रिफ्लेक्शन होता है, ये इसकी ब्यूटी होती है। ये लुक है, बहुत ही अच्छी नेम प्लेट बनी है और ये 12 mm के बोर्ड के ऊपर हमने बनाई है और 18x14 इसका साइज़ है। इसको और सॉलिड करने के लिए हम ऊपर से ये ट्रांसपेरेंट केमिकल से इसको सील करेंगे ताकि ये अच्छे से सील हो पाए और इसमें ये जो इसके नेम है, जो भी इसका एलिमेंट है, वो लंबे टाइम तक ऐसे के ऐसे रहे। हल्के हाथों से ऐसे स्प्रेड किया, चारों एजिस तक हमने कवर करना है, कहीं पर भी जगह नहीं छोड़नी है, पूरा अच्छे से सील होना चाहिए हमारी हर एक चीज़ इसमें जो नेम प्लेट में एडिड है, सब कुछ अच्छे से सील होना चाहिए। और ये फिर हमने इसमें जो एयर बबल्स थे छोटे छोटे उनको रिमूव कर लिया। इसको सूखने के लिए थोड़ा टाइम देते हैं, ये सूखने के बाद आप फाइनल लुक देखिए इसका, ये देखिए ये इसका शाइन है, ये ग्लोस है, ये इसकी ब्यूटी है। और अगर आप भी इस तरह की खूबसूरत अपनी पसंद के अकॉर्डिंग अपनी घर की खूबसूरत नेम प्लेट कस्टमाइज करवाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो आप हमसे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और अपने घर को अपने हिसाब से सजा सकते हो।